डीसी सप्लाई मशीन अपन ने बैटरी लगा के रखी है, और डीसी सप्लाई मशीन आपको यहाँ दिखाई दे रही है। जैसे अपन इसको करते हैं तो ये एक ऑटो रीडिंग दे रही है, और ये जो 100 लेती है मिली एम्पियर, ये ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि ये लेती कहाँ से है, और लोग ज़बरदस्ती बहुत सारी आईसीयू को उतार देते हैं। अच्छा, अपन उससे पहले इसकी अगर रीडिंग भी लेना चाहें बैटरी की, कनेक्टर की, तो आप देखिए, देखो बी बैट का रीडिंग बिल्कुल ओके है, ठीक है। और अगर हम सेकेंडरी लाइन की रीडिंग यहीं से लें तो ये भी आप देखो, तो ये 1000 के ऊपर है, विच इज़ आल्सो ओके। तो अभी कैसा है कि जैसी बैटरी लगाते हैं यहाँ पर, ये देखिए बैटरी लगाने पर ये ऑटो रीडिंग ले रहा है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं लोग, और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, तो आज मैं आपको इसका सोल्यूशन दूंगा ताकि आप डायरेक्टली इस पर काम कर सकें। तो इसको हम डायग्नोस करते हैं कि ये प्रॉब्लम है कहाँ का। इसके लिए हम थर्मल कैमरा का यूज़ भी कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ का और हम अतिरिक्त यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर बोर्ड को यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। अब हम वापस डीसी को ऑन करते हैं, तो यहाँ पर आप थर्मल कैमरा में यहाँ पर आप इसकी हीटिंग देख सकते हैं और इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये यहाँ पर आपको, ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो ये पावर आईसी के पास होता है। ये बेसिकली ये जो रीडिंग है ना, ये पावर आईसी की रीडिंग है, ये उसके कॉम्पोनेंट नहीं है, पावर आईसी की रीडिंग है। 35 डिग्री सेल्सियस ले रही है। तो अभी अपन क्या करते हैं कि ये पावर आईसी पर काम करते हैं, इसको निकाल के रिबोल करके लगाते हैं और देखते हैं कि कुछ रिजल्ट मिलता है कि नहीं, ठीक है। तो जनरली ऐसा काम कभी आपके पास आए तो आप एक बार चेक कर लेना सारे कैपेसिटर, आपके सारे कैपेसिटर बाहर आउटसाइड में कहीं पे भी आपको कोई शॉर्टिंग वॉर्टिंग होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं पावर आईसी के आसपास यहाँ पर चेक करूँ कि कहीं मेरे पास कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, तो आप मैं ऊपर मल्टीमीटर देख सकते हैं मेरा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर आ रही थी, तो यहाँ पर तो रीडिंग आ रही है, तो यहाँ तो मुझे ये आईसी के अंदर ही है, और ये पेस्टेड आईसी है ना, तो जनरली क्या होता है, पेस्टेड आईसी ड्राई हो जाती है या फिर पीछे हीट देने पर ज़्यादा एयर की वजह से ये फॉल्ट आता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ये कैपेसिटर है जो इस तरह का कुछ रीडिंग दे रहा है, ये देखो यहाँ पर भी बीप आ रही है और यहाँ पर भी बीप आ रही है। और अगर हम रीडिंग लें तो यह मैं ये रीडिंग दे रहा है, और ये शॉर्टिंग की रीडिंग है, मतलब ये कैपेसिटर यहाँ पर शॉर्ट हो रहा है। तो देखो दोस्तों, ये कैपेसिटर शॉर्ट है, और ये कैपेसिटर एलडीओ का कैपेसिटर है जो यहाँ पर ये शॉर्ट है, ठीक है। और ये कैपेसिटर आप देखो तो ये जा रहा है एचडीआर में, तो हमें एचडीआर को चेक करना पड़ेगा, इसके आसपास के कंपोनेंट और एचडीआर को निकाल के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर उसके बाद भी हमारा लीकेज बना रहा तो हम पावर आईसी को फिर रिबॉल या चेंज करेंगे। और ये लाइन क्या लाइन है अगर मैं आपको बताऊं, ये लाइन हमारे एचडीआर को जाने वाले बेसिकली आप देख सकते हैं 1.0 की एनालॉग की वोल्टेज की लाइन है जो सिम लगने पर एक्टिवेट होती है, ठीक है। एलडीओ की लाइन का कैपेसिटर है, ये भी हमारा ग्राउंड नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर भी आप देखो तो यहाँ पर भी एक ये एलडीओ की लाइन का कैपेसिटर है, और ये एक बाईपास, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेंगे, ये जो यहाँ पे ग्राउंड आ रहा है ये एलडीओ की लाइन का कैपेसिटर है जनरली, और ये जो लाइन है ये हमारी एचडीआर से, ये हमारी एचडीआर से कनेक्ट हो रही है। तो हम यहाँ पर एचडीआर को जनरली हम निकाल देंगे और थोड़ा सा क्लीन करते हैं पहले, तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर कुछ जमा हो या किसी वजह से, पर ये जो अतिरिक्त, ये जो एक्स्ट्रा रीडिंग ले रही है, अतिरिक्त रीडिंग ले रही है, ये प्रॉब्लम हमारी एचडीआर से हो सकती है। तो हम पहले एचडीआर को निकाल देते हैं, फिर हम पावर को निकालेंगे, ठीक है।
ये नेटवर्क सेक्शन में भी काम हुआ है इसके, आप देख सकते हो, और मुझे लग रहा है नेटवर्क सेक्शन में काम हुआ है, इस वजह से ये सेट डेड हो गया होगा। तो ये रीजन हम बना सकते हैं, बाकी जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। तो हम इसकी HDR बाहर कर देते हैं फिलहाल। आप देख सकते हैं इसकी HDR अंदर से बहुत सारे पैट जो हैं वो शॉर्ट हैं, ये देखिए। तो ये एक रीज़न बड़ा हो सकता है हमारे IC के लीकेज होने का। फिलहाल तो हमें इस मोबाइल को ऑन करना है, एक बार ऑन होगा तो फिर तब जाके नेटवर्क की समस्या को देखा जाएगा। ठीक है, तो अभी अपन ने HDR हटा दिया है, अगर अब वो कैपेसिटर में बीप चली गई तो हो सकता है कि हमारा जो लीकेज आ रहा है वो लीकेज भी हमें ना मिले, देख लेते हैं हम। ठीक है, देखिए लीकेज जो ये शॉर्ट आ रहा है अभी भी, और इसका मतलब ये कैपेसिटर थोड़ा डैमेज भी दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं हम टूटा हुआ है कैपेसिटर, तो हम कैपेसिटर को भी बाहर करेंगे। अच्छा, इसमें HDR भी एक बड़ा रोल था, क्योंकि वो ठीक है, ये कैपेसिटर भी HDR, क्योंकि HDR तो अंदर से आप देख सकते थे कि क्या हालत थी उसकी, तो कैपेसिटर भी एक बड़ा रोल हो सकता है। अब इसके बाद से भी और सिर्फ पावर IC बची है, तो फिलहाल ये कैपेसिटर लग रहा है। अच्छा, जला हुआ सा दिखाई दे रहा है, देखिए आप देखिए ब्लैक कलर का थोड़ा सा ये दिख रहा है, हो सकता है ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया हो। ओके, कैपेसिटर ही था ये, कैपेसिटर जला हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमने HDR भी सही अच्छे से निकाला, नहीं तो हो जा प्रॉब्लम कुछ और भी जा सकती थी। ठीक है, तो अब अपन एक बार वापस चेक करेंगे केबल लगाकर, नोटिस करो, देखिए ये हमने केबल लगाया, देखो रीडिंग अभी भी आ रहा है, रीडिंग का कोई सीन नहीं है, है ना? तो शॉर्टिंग तो हमें अभी भी मिल रहा है, ये देखो दिख रहा है ये आपको, और अगर मैं पावर की को प्रेस करूं तो देखो फोन वहीं का वहीं है अभी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फिलहाल शॉर्टिंग HDR से तो हट गया है, और तो देख लेते हैं और क्या सीन जा रहा है इसमें। ये कैपेसिटर पे थोड़ा सा जो शोल्डर था वो दोनों ओर चुपका हुआ था, ये टेक्नीशियन जो हड़बड़ाहट में फ़ोन नहीं बनता है तो इस तरह से काम करते हैं, ये गलत है। सेट जैसे आया एटलीस्ट वैसे देने की आदत होनी चाहिए, यही रीज़न होता है कि ये यूट्यूब से देखकर ज्ञान उठाते हैं और फिर नहीं बनता है तो एक सही फ़ोन भी डेड हो जाता है। ठीक है, तो रीडिंग अभी भी वही की वही है, रीडिंग में कोई अंतर नहीं है, तो मेरे हिसाब से मेरे को पावर IC ही उठानी चाहिए। हम पावर को रिबॉल करके या पावर को चेंज ही करेंगे यहाँ पर। यहाँ आप देख सकते हैं इस फ़ोन के अंदर WCD जो इसकी ऑडियो IC है वो भी निकली हुई है, काम इस पर वो ज़्यादा है, और ये शॉर्टिंग वोटिंग निकालने के चक्कर में होगा। रीज़न क्या है बताता हूँ, इस IC के पास में एक कॉयल होता है, ये ग्राउंड होता है, तो जनरली देखो उस ग्राउंड कॉयल को और IC दोनों को निकाला गया है, तो ये रीज़न सबसे बड़ा रीज़न है, और CPU भी रिबॉल मार रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हो। ठीक है, और माइक्रोन का MMC है पर उसको छुआ नहीं है, और ये लाइट IC छुई नहीं है। तो फिलहाल अपन पावर पे ही हाथ साफ करते हैं अभी तो, और पावर ही सीन लग रहा है अभी।
ये इतना तय है कि आपका SDR का एरिया बिल्कुल क्लियर हो गया है, अभी यहाँ पर कोई सीन अपने को मिल नहीं रहा है, और ये वाली लाइन भी अपने को क्लियर है। ठीक है, ये देखो, तो ये देखो, ये अपने को रीडिंग अभी मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट से। ठीक है, अब फिर से देखिएगा 1 मिनट। ठीक है, देखें, ये देखो रीडिंग आ रहा है अपने को, पर अभी भी अपने को क्या आ रहा है, शॉर्ट आ रहा है। तो पावर का तो काम अपन को करना ही है। चलो अच्छा, ये ब्लैक पेस्टेड है, आपको एक तरीका मिल जाएगा ब्लैक पेस्टेड निकालने का और सारी चीज़ें। तो ब्लैक पेस्टेड निकालना है तो सिंपल सा वे है, पहले साइड ब्लू कट कर लेते हैं। ठीक है, 250 पे रख लेंगे हीट एयर को, एयर को रख लेना 30-40 पे। साइड के ग्लू, जो ग्लू है उसका हटाना है बस, और कुछ नहीं है, क्लियर मामला है। यहाँ से कट करना है, ये थर्मल टेप होता है, पेस्ट बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, इसको थर्मल पैड भी बोलते हैं, पेस्ट भी लगा होता है, पैड भी होता है और टेप भी, अलग अलग चीज़ें यूज होती हैं, हीट सिंकिंग की बोलते हैं इनको। क्वालकॉम की रनिंग आईसी है 612025, काफ़ी सेटों में देखने को मिलती है ये आईसी। ये ग्लास पावर है। अब अपने को 370 रख लेनी है एयर हीट, 50 एयर, किसी भी एक साइड से उठाना है। 60 सेकेंड दे दो, 60 भी नहीं, 30 सेकेंड दे दो, फिर उठाना चालू करो। देखो कंपनी हिलना चालू होगा ना, तो ये आई से आपके हाथ, ये देखो आई इजीली आ जाएगी। ठीक है, आजू बाजू कंपोनेंट को टच करके देख लो, अगर वो रिमूव हो रहा है तो इजीली आ जाएगी ब्लैक फेस पे। अभी अपन सबसे पहले इसको क्लीन करके अपन बोर्ड की रीडिंग देखेंगे कि बोर्ड में अभी शॉर्टिंग हो रहा है कि नहीं, और अगर इसके GR निकालने पड़े, अगर IC को रिवॉल्व करके लगाएं तो IC क्या है, ख़राब भी हो सकती है ना, तो IC को चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आए तो फिर हमें ये पैडों के GR चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि मसला IC से है।
ठीक है। तो अब हम वापस लगाएंगे और चेक करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी तो रीडिंग ओके है, मतलब मेरा शक सही था, पहले से ही पीएम था, मेरी पीएमआई ओके है, क्योंकि ये रीडिंग पीएमआई पर भी पीएमआई से ही जा रही है देखा जाए तो, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम आईसी के अंदर या तो आईसी दो हो सकती है, तो आईसी भी हो सकती है और आईसी के अंदर भी हो सकती है, तो वो आईसी रिवॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, आईसी को अपन चेंज ही कर देते हैं, ठीक है। तो अपने पास एक नई आईसी रखी हुई है, तो अपन वो यूज़ कर लेंगे। ठीक है। तो देखो इस तरह से नई आईसी आती है मार्केट में। अच्छा, ये पहले से रिवॉल्व होती है, आप चाहे तो उसको फिर से रिवॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आईसी सही हो, तो पर इतना है लीकेज तो नहीं होगी, ठीक है। आईसी का नोज कट पॉइंट सही तरीके से देखना है आपको। एयर कम रखनी है, हीट भी कम रखनी है शुरू में, नहीं तो आईसी उड़ जाएगी हवा में। अगर अभी भी रीडिंग अगर वही आई तो आईसी उतार के फिर इसके जिया चेक करने पड़ेंगे। आईसी लग गई है। अब वापस चेक करेंगे। अब वापस लगाते हैं।
तो हमारी जो रीडिंग आ रही थी वो रीडिंग आना तो बंद हो गई है, ये सबसे अच्छी बात है। मतलब जो फॉल्ट था वो हमारा आईसी में था, ठीक है। अब मे भी हो सकता है वो आईसी रिबोल करते तो हमारा हो जाता काम, बट हमारे पास टाइम इतना नहीं है तो हमने आईसी दूसरी लगा दी है। अब इस आईसी को हम कहीं और जगह भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर ये भी एक चांस था, और नहीं होती तो फिर यही होता कि दूसरी आईसी तो लगानी है। तो हमने पहले एक गेम खेल लिया, हमारे पास आईसी है तो हमने लगा दी, ठीक है। तो अब हम इसको सेट में लगा के चेक करते हैं, क्योंकि रीडिंग अभी कोई भी शॉटिंग वोटिंग तो नहीं ले रहा है। इसमें मैं एक चीज़ और नोटिस कर रहा हूँ थोड़ा, तो यहाँ पर एक ये जंपर निकला हुआ है, जंपर या कॉम्पोनेंट आप कह सकते हैं। तो ये आईडी की लाइन का है, तो उस पर जंपर लगा देते हैं अपन। इस सेट में काफ़ी काम हुआ है, ज़बरदस्त काम हुआ है, पर अभी हमें तो सेट को ऑन करने के चक्कर में है, और मेन मसला हमारा सेट को ऑन करना है, क्योंकि बिगड़े हुए सेटों के अंदर सब कुछ एक बार में नहीं होता मेरे भाई, धीरे धीरे एक एक करके सारी चीज़ें डायग्नोस होती हैं, ठीक है। सारी चीज़ें एक बार में बनती नहीं है इसमें। अब इसमें नेटवर्क का भी फॉल्ट जाएगा, क्योंकि SDR निकली हुई है तो SDR लगेगी, ये भी चेक करेंगे कि नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बट आपने कस्टमर से किसके लिए सेट लिया ये इम्पोर्टेंट है। अभी फ़िलहाल अगर आपने कस्टमर से लिए सिर्फ फ़ोन को ऑन करने के लिए लिया है तो आप फिलहाल उस चीज़ के तो पैसे ले ही सकते हैं, ठीक है। डिस्प्ले लगा देंगे और फिलहाल इसकी बैटरी लगा के चेक करते हैं जो कितनी चार्ज है कितनी चार्ज नहीं है। अब नोटिस करो, अभी मैंने इसी की बैटरी लगाई है और पावर की दबा रहा हूँ यहाँ पर, तो देखो मेरा सेट ऑन हो चुका है, यहाँ पर रेडमी और यहाँ पे नीचे एंड्रॉयड आ गया, इसका मतलब ये मेरा सक्सेसफुल रहा। तो जो मेरी मेन पावर से दिक्कत थी मुझे, और मेरा SDR की लाइन भी शॉर्ट थी, और ये नेटवर्क में SDR किसी ने गलत तरीके से लगाया, गंदे तरीके से, उस वजह से लाइनें शॉर्ट हो गई थी, और मेरे ख्याल से उस वजह से पावर भी शॉर्ट हो गई थी, और SDR को हीट देने के चक्कर में पावर भी हीट हो गया था, तो मुझे तो ये भी लग रहा है, तो यही रीज़न है, ठीक है। तो ये पूरा डायग्नोस आपने देखा, आपको कैसा लगा मुझे बताएगा ज़रूर, और अगर आपको पढ़ने आना है तो आप देश के सबसे एक नंबर प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं, थ्योरिकल इंस्टीट्यूट नहीं बोलूँगा मैं, ये प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप खुद CPU बनाएंगे एक बार नहीं चार बार, और CPU ही सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, हैंड स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, ब्लैक पेस्टेड CPU, ठीक है। ये हमारा लोगो भी आ गया सेकंड, तो इसका मतलब है हमारा फ़ोन ऑन हो गया पूरा कम्प्लीटली। तो ये हमारा दिमाग में आप लोग को रखना है कि आपको प्रैक्टिकली अगर चलना है लेके, तो आपको ये समझना पड़ेगा। ये देखो ये मेरा फ़ोन ऑन हो चुका है, ठीक है, पैटर्न लगा हुआ है इसमें। चलो ठीक है गाइज, थैंक यू वेरी मच, और अगर आपको ज्वाइन करना है इस टेलीग्राम को तो बिल्कुल ज्वाइन करो, हमारे कोर्स के साथ में रहना खाना फ्री सब कुछ रहता है, साथ में हमारे कोर्स में आपको गारंटी मिलती है CPU लगाने की, और उसके साथ हमारे कोर्स के अंदर 13-10 साल का अनुभव है टीचिंग का जो आपको मिलेगा, क्योंकि हमारा काम है आपको टेक्नीशियन से टीचर बनाना, ठीक है। तो बेसिकली उसके अलावा क्या है, उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको आईफोन का मेरा जो कोर्स है वो फ्री मिलेगा, और मेरा 5G अपडेटेड कोर्स है वो फ्री मिलेगा, जो आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा नाम है बापन खांडेकर, और मैं इधर 28 जून के बैच को ज्वाइन किया था। तो आज मेरे को बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है कि मैं इधर एंड्रॉइड का कोर्स करने आया था, मेरे को आईफोन का कोर्स भी एशिया टेलीकॉम की तरफ से गिफ्ट में मिला है, तो एशिया टेलीकॉम को मेरी तरफ से धन्यवाद, और देव सर को भी मेरी तरफ से धन्यवाद, थैंक यू। तो मैं चलो एक चीज़ इंस्टीट्यूट की तरफ से एशिया टेलीकॉम की तरफ से आईफोन मास्टर सर्किट कोर्स और 5G अपग्रेड भी हमें गिफ्ट में दिया गया है। जी जो गिफ्ट मिला है हमें एशिया टेलीकॉम की तरफ से एंड्रॉइड और आईफोन का जो लर्निंग ऐप है जो हमें आने वाले वक्त में इसके इसके लिए सिखाएगा। तो ये मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ एशिया टेलीकॉम का और MD सर का और देव सर का। चलिए ठीक है,
मेरा नाम सावन जावेद है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ओके, मेरे हाथ जैसे आप देख रहे हो ये आईफोन का गिफ्ट है, जो आईफोन का कोर्स है गिफ्ट मिला मेरे को। मैं एंड्रॉइड आया था, एंड्रॉइड का आया था और मेरे को आईफोन का कोर्स गिफ्ट मिल गया, और अभी साथ में 5G सर्किट के साथ। ओके, देख रहे हो कि इसमें आईफोन प्लस 5G का कोर्स है, जो कि हमने पहले दिन आया था तो एंड्रॉइड सीख नहीं आए थे, लेकिन यहाँ आईफोन का कोर्स है वो भी गिफ्ट है सर। तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ एशिया टेलीकॉम और थैंक यू करना चाहता हूँ देव सर। एक महाराष्ट्र से हूँ। ओके, हम इधर एंड्रॉइड का सीखने आए थे सब, मोबाइल रिपेयरिंग, और देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने हमें उसके साथ आईफोन का भी कोर्स गिफ्ट दिया है। ओके, सर मैं यहाँ एंड्रॉइड का कोर्स सीखने आया था। ओके, देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने इधर मुझे आईफोन 5G का कोर्स गिफ्ट दिया है, इसलिए मैं एशिया टेलीकॉम और देव सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। गिफ्ट मिला है मुझे आईफोन का कोर्स मिल गया है, और थैंक यू सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम, MD सर का बहुत बहुत बढ़िया था, एक क्लिपिंग हो जाए सर के लिए, बहुत शुक्रिया आपने। दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे IC लेवल का काम नहीं आता, और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए, और ना ही YouTube में सोल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और IC चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो, तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए, हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर IC और 4th दिन में CPU करवा देंगे, हम देंगे IC पैड लाइन की जानकारी, यहाँ हॉस्टल में इसकी सुविधा फ्री है, हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है, हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास, यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है, यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है जिसमें हार्डवेयर EMC सॉफ्टवेयर हैं। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है, हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास, यहां स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है, यहां बेसिक से